टू माई चैनल रेसिपी नॉर्थ टू साउथ। अब ये चैनल नॉर्थ टू साउथ इसलिए है क्योंकि हमारे चैनल में हम आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे तहरी, जो उत्तर प्रदेश की नॉर्मल राइस है वहाँ की, वो पोटैटो से बनती है। हम उसके लिए हम स्मॉल टू पोटैटोस और वर्टिकली कट इस तरह से लेंगे। स्मॉल हाफ ऑनियन, अब मैंने ये हाफ इसलिए रखा है कि आपको पता चले, ऑप्शनली अगर आप चाहे तो ना ऐड करें। हाफ टमाटो चॉप करेंगे इसको, हाफ टमाटो, दो लौंग, छोटा सा सिनेमन स्टिक और छोटी सी हाफ इंच से भी छोटी, दो कार्डमम, ये जावित्री का फूल छोटा सा ले लें आप, और छह काली मिर्च के दाने, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ये है धनिया पाउडर, गरम मसाला 1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून से भी 1/4 टीस्पून नियरली आमचूर पाउडर, 1 हरी मिर्च चिली ग्रीन चिली, इसके साथ साथ 1 बड़ा टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3/4 कप ऑयल। अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाना चाहते हैं इट्स वेरी गुड ऑप्शन कि आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, और 1 कप चावल है। अब हम प्रोसेस शुरू करेंगे ये कैसे बनाते हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट यहां रखा हुआ है, इसमें हम ऐड इस पेस्ट में हम ऐड करेंगे हल्दी मिर्च धनिया पाउडर आमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और ये पानी, ये हाफ कप पानी है, हाफ कप भी नहीं है, 1/4 कप पानी यू कैन टेक। हाँ, अब आप देख सकते हैं हम इस बाउल में अदरक लहसुन का पेस्ट के ऊपर हल्दी मिर्च पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला एंड आमचूर पाउडर इन तीनों को डाल दिया। अब इनको मिक्स करेंगे, अब ये जो पानी है हम इस पर ऐड करें। अब पेस्ट पतला सा पेस्ट बना लेंगे हम इसको, अरे वाह अब तो अच्छे पेस्ट बन गया है। अब सारे गुटलियों को हम तोड़ देंगे इसके अंदर और सारा फाइन पेस्ट पतला सा पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बनाने का मकसद ये है कि हम डायरेक्टली हीट में सूखे पाउडर डालने पर हमारे लाल मिर्च धनिया हल्दी ये जल जाने की चांसेस होती है। टू अवॉइड बर्निंग हमने ये पानी में घोल दिया सारा मिक्सचर। अब नेक्स्ट है कि हम इसको पकाएंगे कैसे। पॉट गरम के लिए रख लिया है, इसमें ऐड करेंगे तेल, 1/4 कप तेल था ये, 1/4 कप तेल ऐड कर लिया। अब इसको हीट होने देंगे, ऑयल हीट अप हो रहा है। अब हम ऐड करेंगे इसमें इलायची लौंग सिनेमन स्टिक जावित्री का फूल छोटा सा पीस पेपर कॉर्न काली मिर्च कॉर्न अब हम डालेंगे जीरा इसके अंदर, अब वेट करें जीरा हल्का सा क्रैकल होने दें। यू कैन सी हियर कि जीरा भी हीट अप हो रहा है। ये बहुत इजी बन जाता है, इसमें ना प्याज टमाटर ज्यादा चाहिए, बस स्मॉल स्मॉल पीसेस।
ज़्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर, रेगुलरली बहुत अच्छे से बन जाता है चावल ये और तहरी। अब इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम सॉटे करेंगे। अब हमारे प्याज सॉटे हो रहे हैं, अब गोल्डन नहीं कर रहा है, गोल्डन से पहले हल्का सा पिंकिश कलर से गोल्डन हल्का सा। अब इस पर इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट, ये जो पेस्ट तैयार रखा था ये पेस्ट ऐड करेंगे इसमें, और चम्मच चलाएंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मैं आपको जूम करके भी बता रही हूँ, ये तो आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो रहा है साइडों से तेल, अब सारा तेल सेपरेट होने लगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो, बहुत टेस्टी बनता है ये चावल, तो देखते रहिए। पोटैटो को हम तेल में भुनेंगे, सॉटे करते हैं 5 मिनट के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो, हाफ टमाटो जो कि वो हमने चॉप कर लिया है। ये रेसिपी हमने इन लोग से सीखा है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें, अब सॉल्ट, ये आप तो सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप। अब पोटैटो फ्राई हो गई, अब इसमें ऐड करेंगे जरा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि ये गल जाए। जब ये थोड़ी बहुत गल जाए तब तक हम इसको पानी डाल देंगे। अब इसमें हम हाफ कप पानी डाल देंगे ताकि ये पक जाए। तो पोटैटो को हम सिम पे रख देंगे मसाले को ताकि ये कुक हो जाए, हाफ 3/4 डन हो जाए, 1/4 रह जाए ताकि वो 1/4 चावलों के साथ पक जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली ऐड करेंगे, ग्रीन चिली को 3 पीस इसमें कट कर लिए। अब इसको ढक्कन लगा देंगे और फिर 5 मिनट्स के लिए, हम 5 to 10 मिनट्स के लिए हम इसको सिम पे रख देंगे पकने के लिए। जब तक हमारा आलू गल जाते हैं तब तक हम अपना चावल के रेशियो बताते हैं। ये 1 कप चावल, 1 कप चावल के लिए हम डबल लेंगे पानी, 1 कप चावल दैट मीन्स 2 कप वाटर, 1 कप चावल 2 कप पानी। अब जिस अभी पानी कप का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, जिस कप से आपने चावल मेजर किया है उसी कप से आप पानी भी मेजर करेंगे। ये नहीं कि आप अलग कप लेंगे चावल के और डिफरेंट कप पानी के लिए तो चावल में गड़बड़ हो जाएगी, जब वो चावल टूटने का भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस कप से आपने चावल को मेजर किया है राइस को, उसी कप से आप वाटर को भी मेजर करेंगे। 2 कप लेंगे, 1 कप चावल 2 कप वाटर। आई थिंक इट्स क्लियर। अब इसमें हमने चावल ऐड कर दिया, हमारे पोटैटोज डन हो गई हैं। इसमें चावल ऐड कर दिया, चावल को भून लेंगे 2 मिनट के लिए, भून लेंगे चावल को। अब इसमें इक्वलेंट वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर,
चावल को पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब एक बॉईल आने का इंतजार करेंगे। वेट फॉर वन बॉईल टू कम। यू कैन सी द वाटर इज हीटिंग अप। पानी गर्म हो रहा है, अब हल्का सा बबल आना शुरू हो गया है। कैन फ्री सी फ्रॉम द साइड। अच्छे से पानी खोलने लगेगी, फिर हम उसको सिम पे कर देंगे। चावल लिड लगा देंगे और सिम पे रख देंगे। नाउ यू कैन सी कि बॉयल होने वाला बॉयल हो रहा है। वाटर चावल बॉयल हो रहे हैं। अब इसके हम लिड लगा देंगे और गैस सिम पे कर देंगे, बिल्कुल लोएस्ट में। अब इसको 5 to 10 मिनट्स तक पकने देंगे। अब हो गया 10 मिनट्स। अब हम चावल देखेंगे। चावल साइडों से, बस चावल का टेक्निक है, चावल को साइडों से हम देखेंगे कि भाई चावल तैयार हो गई हैं। अब देख सकते हैं पक गई है चावल। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चावल तैयार हैं। अब चावल इस तरह से दिखती हैं, येलो कलर की होती है। कुछ लोग उसको येलो चावल भी कहते हैं, बच्चियां तो इसको येलो चावल कहती हैं, लेकिन है ये तहरी है। ये रामपुर मुरादाबाद और यूपी में वगैरह बनती है ये तहरी। बहुत सिंपल है और आसान भी है। आई होप सबको पसंद आया होगा और सब लाइक करेंगे मेरे चैनल को। थैंक यू।